हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की दौड़ में आखिरकार सुखविंदर सिंह सिक्खू ने बाजी मारी। जी हां, कांग्रेस नेता सुखविंदर सिंह सिक्खू ने आज शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। तो वहीं कांग्रेस नेता मुकेश अग्निहोत्री उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। इस शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सहित वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के प्रमुख रहे 58 वर्षीय सुखविंदर सिक्खू निचले हिमाचल इलाके के पहले कांग्रेस नेता हैं जो मुख्यमंत्री बन रहे हैं। वह प्रेम कुमार धूमल के बाद हमीरपुर जिले के दूसरे ऐसे नेता हैं जो मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुए। कांग्रेस ने हिमाचल विधानसभा चुनाव में कुल 68 में से 40 सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया है। मतदान 12 नवंबर को हुआ था और परिणाम गुरुवार को घोषित किए गए थे।